आज मैं आपको दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ बने हुए मकान जो 30 गज में है, 59 गज मीन 60 गज लगा लीजिए, 50 गज में है, कई मकान मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा आपको। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको पूरी ही देखेंगे जिससे कि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। जैसे आपको रोड कितनी है, रेट क्या है और जो भी चीज़ें आप मुझसे कई बार हमारे मतलब एग्जीक्यूटिव से कुछ पूछना चाहते हैं, फ़ोन करते हैं पूछना चाहते हैं, वो सारी वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अभी हम लोग हैं नजफगढ़ में है। यहाँ से जो साइड पड़ती है अप्रोक्सीमेटली लगभग 2 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। दोस्तों ये आपका मेट्रो है, नजफगढ़ का मेट्रो है। नजफगढ़ के मेट्रो से हम लोग चलेंगे खैर के मेट्रो की तरफ, ढांसा के मेट्रो की तरफ चलेंगे। ढांसा के मेट्रो की तरफ आने के बाद में करीबन ये आपके आधा से 1 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस बनता है। ये दोस्तों ये है कृष्णा विहार वी ब्लॉक, इसके अंदर की मैं प्रॉपर्टीज को दिखाऊंगा मैं आपको। दोस्तों आइए चलते हैं, चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी वीडियोस हम और भी लाते रहें और अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको दिखाते रहें। उसके लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे कि हम और भी इंस्पायर होके और कुछ अच्छी वीडियोस कुछ अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों हम लोग आ गए हैं, हम लोग प्लॉट में आ गए हैं जो 30 गज का है। सबसे पहले मैं आपको 30 गज का दिखाऊंगा। दोस्तों ये आपके बिल्कुल पेट्रोल पंप से लगता हुआ प्लॉट है, ये आपकी फर्स्ट रोड के सेकंड ही प्लॉट है, सेकंड गली में ही प्लॉट है ये आपकी गली। ये 30 गज का मैं मकान दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। ये बना हुआ मकान है 30 गज का, आप देख पा रहे हैं सामने पेट्रोल पंप और जहां पर ट्रक खड़े हैं ये रोड है, मेन रोड है दोस्तों। ये यहाँ पर ये पेट्रोल पंप है, ये पेट्रोल पंप आप देख ही पा रहे होंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पेड़ वगैरह आ जाता है। ये दोस्तों ये वाला मकान है जो पूरा 30 गज में बना हुआ है, लोग रह रहे हैं यहाँ बाकायदा, तो इसीलिए वो एसी फिटिंग वगैरह दिख रही होगी आपको। तो यहाँ पर पूरा आपका 30 गज में ये बना हुआ है। इसमें यहाँ पर जो पानी सप्लाई है, सप्लाई का पानी आया हुआ है दोस्तों, सप्लाई का मीटर बिजली का लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं मीटर लगा हुआ है। मैं थोड़ा सा एक बार और आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे फैसिलिटी के तौर पे, मैं अगर फैसिलिटी के तौर पे दिखाऊं, बिजली गवर्नमेंटल आई हुई है, पानी और सप्लाई का पानी वाटर सप्लाई आई हुई है। यहाँ पर 18 फुट की वाइड रोड है दोस्तों, 18 फीट की ये रोड है जो जिस रोड पे ये मकान है, ये 18 फीट की रोड है, 18 फीट की मेन रोड से सेकेंड रोड है। ये भी कृष्णा विहार बी ब्लॉक की रोड है दोस्तों। पानी वगैरह जो दिखा पा रहा हूँ मैं, पानी वगैरह का सप्लाई का आया हुआ है यहाँ पर। और ये कृष्णा विहार बी ब्लॉक का एरिया है, इसकी जो डिमांड है दोस्तों, डिमांड आप जान के आपको अच्छा लगेगा, डिमांड केवल दोस्तों 12 लाख की डिमांड है जो आपका 12 लाख की डिमांड पे है ये प्लॉट और पूरा बना हुआ मकान है दोस्तों। ये आपको दिखा पा रहा हूँ मैं, ये 18 फुट की गली है, अभी थोड़ा यहाँ पर ये गली बनना बाकी है, बाकी जो लोग रह रहे हैं उनके पास आप देख पाएंगे, आगे भी देख रहे थे वो गाड़ी वगैरह खड़ी हुई है, ये पूरा काम यहाँ पर सारा हो रखा है। आपको मैं थोड़ा सा उधर का एक बार दिखा देता हूँ, पानी वगैरह का जो सप्लाई का पानी वगैरह आया हुआ है, इधर दोनों साइड पे दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये सप्लाई का पानी आया हुआ जो यहाँ पर दोस्तों। अगर रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, मेन रोड के सेकंड रोड ही है, पेट्रोल पंप सामने दिख रहा है, मेन गाड़ियाँ चलती हुई आपको सामने दिख रही हैं, ये चीज़ें सारी बहुत अच्छी लोकेशन पे है दोस्तों। और आपका मैं आपको दिखा पाऊंगा, आगे दिखाता हूं दोस्तों, ये यहाँ पर जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं वो चीज़ें। दोस्तों मैं आ गया हूँ आप सेकंड प्लॉट की तरफ, ये आपका प्लॉट है, ये आपका मकान है 59 गज का, 59 गज का है मकान और 59 गज में ये मकान बना हुआ है, डबल स्टोरी बना हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड, आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं दूर से दिखा रहा हूँ इसे, पर आप देख पा रहे होंगे जिसमें एसी लगा है वो वाला ये मकान है, आपके 2 मंजिल बना हुआ है 1 और 2। ये आपका जो मैं अगर गली की बात करूँ तो ये 16 फुट की गली पे है
और इसकी जो ये कृष्णा विहार बी ब्लॉक का ही प्लॉट है दोस्तों, मकान है। और इसकी डिमांड जो मतलब ओनर जो डिमांड करता है वो 28 लाख की है दोस्तों, 28 लाख की है। ये 59 गज का मकान है, 59 गज का मकान है, 28 लाख की है। ये जो इसकी जो 16 फुट की रोड है ये लगभग सीधा बाहर चली जाती है। ये भी आपका बाहर से आपको अगर रोड मेन रोड से काउंट करेंगे तो ये 8वां 10वां मकान पाएगा, बिल्कुल सीधी ये मेन रोड पे आ जाता है ये दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे मकान साफ सुथरा बनाया है, रहने लायक मकान है। आप जो भी लेता है भाई वो रह सकता है। मैं आपको एक बार कीमत दोबारा बता देता हूँ, 28 लाख की। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं, अब एक और मकान जो यहीं पर ही नज़दीकी था, नज़दीकी है, हम उसकी उसकी उसको देखने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। तो ये मकान हम लोग जो दिखाऊंगा मैं आपको, वो आपका 50 गज में मकान है दोस्तों, 50 गज का मकान है। और उसकी डायमेंशन दोस्तों है 15x30 की डायमेंशन है, 15 गज का वो 50 गज का मकान 15x30 गज की डायमेंशन है। ये जो रोड है ये डायरेक्टली खैर से आती है दोस्तों, ये सीधी रोड आपकी ढासा का जो बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन कह लीजिए उसी से ही वो ये सीधी ही आ रही है अंदर। यहाँ कृष्णा विहार बी ब्लॉक में ही आएगी दोस्तों, ये सीधी रोड में दिखा पा रहा हूँ, ये कृष्णा विहार बी ब्लॉक में आ जाती है। तो हम लोग जैसे ही कृष्णा विहार बी ब्लॉक में मुड़ते हैं तो वहीं पर ही ये मकान है दोस्तों। मैं आपको एक बार मकान दिखा देता हूँ दोस्तों, मकान पे लेके आ चुका हूँ, बस अभी मकान को दिखा देता हूँ दोस्तों। बिल्कुल साफ रोड है, साफ सुथरा एरिया है, साफ सुथरा रोड है। तो एक बार मैं ये वाला मकान भी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कई मकान और भी हैं जो छोटे छोटे मकान हैं, जैसे 50 गज में है, एक 100 गज का टुकड़ा भी है इसी के अंदर ही हमारे पास। आप रोड देख ही पा रहे हैं, साफ सुथरा रोड है, जो भी कोई लेगा भाई वो लेके रह सकता है, बना सकता है, इस तरह का मकान है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं, ये 50 गज का मकान है, ये आपका 50 गज का 15x30 इसका साइज है, जो इसमें टू टू रूम सेट बना हुआ है। ये गवर्नमेंटल मीटर, गवर्नमेंट का पानी आया हुआ है दोस्तों इसमें। ये मेन रोड से ज़्यादा अंदर नहीं है, मेन रोड से सेकंड गली थर्ड गली में है, सॉरी थर्ड गली में है। ये अभी गली ज़्यादा बनी नहीं है, बट हाँ ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली सभी आ चुकी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं इसमें। ये जो है 18 फुट की रोड है दोस्तों, वैसे लगती जो दिखने में और साइज में लगता है यहाँ 20 फुट की रोड लगती है, बट जो ऑन पेपर ये रोड बताई जाती है वो 18 फुट ही है, 18 फुट की रोड बताई जाती है। अच्छे अच्छे मकान यहाँ पर बने हुए हैं, और जो अभी मतलब जैसे ले रहे हैं लोग बाग मकान तो वो आपके बनाने लग रहे हैं, और बहुत जल्दी वो भी पूरे बन जाएंगे पूरे मकान दोस्तों। मैं आपको घर को घर के थोड़ा सा ना इंटरनल अंदर से भी दिखाऊंगा दोस्तों कि अंदर से ये किस तरह का लगता है। ये आप देख पा रहे हैं पानी की सप्लाई अंदर जा रही है, तो पानी वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, सब पूरा ये अच्छे से बना हुआ है। एक मंजिल लेंटर है, दूसरे में ऊपर जो है वो टुकड़ी पड़ी है। तो ये आपका पूरा मकान है। मैं अभी दोस्तों आपको एक बार अंदर लेके चलता हूँ दोस्तों, अंदर की चीज़ें दिखाता हूँ अंदर से किस तरह से लगता है। साफ़ सुथरा मेंटेन किया गया है दोस्तों ये मकान पूरा, अंदर से आपको दिखाऊंगा तो पूरा साफ़ सुथरा मेंटेन है, पूरा पूरा मेंटेन मकान है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि पूरा आप ये पूरा का पूरा फर्स्ट रूम है, ये बाहर से भी ओपन है और अंदर से भी, ये फर्स्ट रूम है दोस्तों। आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ एक बार घुमा के, ये फर्स्ट रूम है, काफ़ी बड़ा रूम है, अच्छा बेड लगने के बाद भी सोफ़ा लगा हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा रूम है, बड़े स्पेसियस है पूरा। और मैं अभी आपको अंदर ले चलता हूँ, अंदर दूसरे रूम की साइड ले चलता हूँ, और बाहर जीना वगैरह किस तरह का है वो भी दिखाता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार अंदर कर लेता हूँ कैमरा। ये आपका स्टेयर्स होगी, ये हमारा जो बाहर से जो मेन गेट आ रहा था ये मेन गेट की तरफ का है दोस्तों। ये मेन गेट से हम एंट्री कर सकते हैं यहाँ से भी, क्योंकि बाइक वगैरह जैसे पार्क करनी है वो अंदर की साइड भी हो सकती है। ये स्टेयर्स हैं, ये ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स हैं। दूसरी साइड को अगर मैं बात करूँ तो ये सामने की साइड पर एक रूम पड़ता है, सामने बिल्कुल रूम है, ये आपका रसोई का किचन का पार्ट है दोस्तों, ये किचन का पार्ट है। किचन ये हो गई आपकी
रूम के बीच में ही किचन हो गई, और किचन के बिल्कुल सामने की साइड पे एक रूम पड़ता है आपका, ये वाला एक रूम है। यहाँ पर एक्चुअली लेडीज होने के कारण हम लोग ज़्यादा अंदर तक नहीं दिखा पाए, बट हाँ ये है कि ये रूम भी साफ सुथरा रूम है दोस्तों, साफ सुथरा रूम है। डबल बेड ऑलरेडी सेट है, डबल बेड के बाद भी काफ़ी स्पेस इसमें बचता है जिसमें कोई बैठना उठना हो सकता है। हल्का सा सोफा टाइप इसमें भी पड़ा हुआ था, और पूरा ये पूरी सेटिंग है यहाँ पर। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा रूम है। अभी मैं आपको थोड़ा सा किचन का भी दिखा देता हूँ दोस्तों, और जिसने जो भी भाई अगर लेना चाहे तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, कॉन्टैक्ट डिटेल इसमें दी गई है। ये 50 गज का मकान है और 15x30 का है, 2 रूम सेट बना हुआ है, 25 लाख का डिमांड है दोस्तों। चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी वीडियोस हम और भी लाते रहें और अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको दिखाते रहें, उसके लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि हम और भी इंस्पायर होके और कुछ अच्छी वीडियोस कुछ अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचा सकें।